बिग बॉस का घर है, यहाँ कंटेंट नहीं दोगे तो एविक्शन होगा ही। और इस वीकेंड के बाद में फाइनली हो गया है एक शॉकिंग एविक्शन, और शो से कोई और नहीं बल्कि श्रीजिता डे निकली है। क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल गपशप्तों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल पिछले वीकेंड के बाद में हमने देखा था कि शो से कोई बेघर नहीं हुआ था, और अब इस हफ्ते 5 सदस्य नॉमिनेट थे घर से बेघर होने के लिए, जिसमें से 4 को खुद गौतम ने नॉमिनेट किया था और 1 को बिग बॉस ने, यानी कि शालीन, टीना, श्रीजिता, गौरी और एमसी स्टैन। आपको बता दें कि कल के लास्ट वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से नंबर 1 पे थे एमसी स्टैन, नंबर 2 पे थी गौरी नगौरी, नंबर 3 पे थी टीना दत्ता, नंबर 4 पे थी श्रीजिता और नंबर 5 पे थे शालीन। यानी कि शालीन को सबसे कम वोट मिलने के बावजूद शालीन शो से बेघर नहीं हुए, क्योंकि शालीन कंटेंट जो दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि श्रीजिता डे बिग बॉस के घर से बेघर हो चुकी है। वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से नंबर 4 पे आने के बावजूद श्रीजिता बिग बॉस के घर से बाहर हो चुकी है, यानी कि बिग बॉस 16 का पहला शॉकिंग एविक्शन हुआ है श्रीजिता डे का। और लगा भी नहीं था किसी को कि श्रीजिता इतना जल्दी शो से बाहर हो जाएगी। हालांकि लोगों का कहना था कि गौरी नगौरी शो से पहले बाहर निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरी नगौरी को अच्छे खासे वोट मिले, यानी कि सेकेंड नंबर पोजीशन पे थी गौरी नगौरी और फर्स्ट पे थे एमसी स्टैन। आपको बता दें कि इस वीकेंड के बाद श्रीजिता को बिग बॉस का घर छोड़ना पड़ा, यानी कि श्रीजिता का बिग बॉस का सफर यहीं खत्म हो गया। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं श्रीजिता के एविक्शन पे? आपको क्या लगता है श्रीजिता का एविक्शन फेयर था या अनफेयर? कमेंट कर हमें बताएं। बिग बॉस 16 के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल गपशप्तों।